इलेक्शन कार्निवल ने एक लंबा सफर तय किया है और इस सफर के साथ ही रहे जो मेन ड्राइविंग फोर्स रहे वो कार्निवल ट्रक के ड्राइवर थे सोनू भैया, जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ हैं चंडीगढ़ में भी। और सोनू भैया, बहुत लंबा सफर, शुरुआत हमने दिल्ली से निकल कर हरिद्वार तक से की थी और अब हम चंडीगढ़ में। हाँ जी, चंडीगढ़ में। कैसा रहा आपका सफर, ये तो बताइए, दर्शक और हमारा ऑडियंस यहाँ जानना चाहता है। बहुत बढ़िया सफर रहा हमारा जो है। वैसे तो हम पहले निकलते थे काम करने के लिए, लेकिन अब के NDTV न्यूज़ के माध्यम से काम करने के लिए निकले हैं और अब हमारा कार्निवल जो है वापस दिल्ली के तरफ आ रहे वाला है, तो बहुत अच्छा लगा हमको जो है इसके साथ काम करने में। और वैसे तो काम करने लिए निकलते थे, लेकिन आज हम NDTV न्यूज के साथ साथी अपने जो है एक परिवार की तरह। बहुत सारे राज्यों के चुनाव का रंग देख लिया, हम यहाँ चंडीगढ़ में है तो यहाँ का रंग हम देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा जो कार्निवल था और जो कार्यक्रम था वो कहाँ का लगा आपको, जो आपको बहुत मज़ा आया देखने में? देखो, ऐसे तो सभी जगह का अच्छा लगा हमको, ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें कि अच्छा नहीं लगा, सभी जगह अच्छा लगा। कुछ मुश्किलें हुई, चुनौती थी कुछ? मुश्किलें कोई मुश्किलें नहीं है, बहुत अच्छा लगा। आप तो हमारे साथ ही दिल्ली से निकले थे और आज हम पंजाब वापस पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लग रहा था जब आपने ये पूरा सफ़र शुरू किया था कि कैसा रहने वाला है, कि आम तौर पर जो आपका रोज़ाना का काम है वैसा होने वाला है या फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, उसकी तैयारी थी? देखो नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम तो पहले ऐसे ही निकले थे अपने घर से यहाँ से, जो कि जैसे कि हर बार निकलते थे अपने यहाँ से, लेकिन हमें जो है अब एक परिवार की तरह रहने लगे। 2 महीने सारे करीब हो गए, हमें एक परिवार की तरह जो है अब वापस लौट रहे हैं दिल्ली। और करीब करीब 1.5 महीना हो चुका है आप सड़कों पर हैं और NDTV का पूरा क्रू आपके साथ है, तो एक लंबा सफ़र तय कर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं चुनाव के वो रंग जो आप घर बैठे देख सकते हैं। देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से कितना चुनावी बुखार छाया हुआ है।